नमस्कार सारे जहां से अच्छा में आपका स्वागत है। सारे जहां से अच्छा एक यात्रा है खूबसूरत जगहों की, अनोखी प्रथाओं की और साक्षरता से जुड़े ऐसे प्रयासों की जो बनाते हैं हमारे देश को सारे जहां से अच्छा। आज का सफर शुरू होगा राजस्थान की राजधानी गुलाबी नगरी जयपुर, फिर हम जाएंगे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और फिर सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध हिमालय की गोद में बसा कुमाऊं। सोनोरी धरती जठे और चांदी रो आसमान, रंग रंगीलो रस भरियो मारो राजस्थान। घणी घणी खमा यानी कोटि कोटि प्रणाम। भारत के खूबसूरत मरुधर प्रदेश राजस्थान में आपका स्वागत है। ढाई सौ साल से भी पुरानी राजस्थान की राजधानी गुलाबी नगरी जयपुर। साजन आए ऐ सखी ते कै मनवार करूं, थाल भरूं गज मोतियां ते ऊपर नैन रखूं। जयपुर एक ऐसा शहर जहां अतिथि का सत्कार आज भी राजपूती शान बान से किया जाता है। किले, गढ़, महल, छत्रियां, दरवाजे, ये सब इस शहर की खास पहचान है। कहा जाता है कि महाराज जय सिंह ने शिल्प शास्त्रों के अनुसार ही जयपुर को बनवाया। जौहरी बाजार, हल्दियों का रास्ता, ठटेहारों की गली, चांदी की टकसाल, ये हैं कुछ अनोखे नाम जयपुर के बाजारों और रास्तों के। जयपुर के रंग रंगीले बाजार, जेवरात, चमड़े के सामान, बांधनी काम और जयपुरी ब्लॉक प्रिंट्स के लिए मशहूर हैं। जैसे आगरा में ताजमहल प्रसिद्ध है, वैसे ही जयपुर में हवा महल। हवा महल का निर्माण 1799 में हुआ। गुलाबी पत्थरों पर की गई महीन नक्काशी राजपुताना कलाकारी का अद्भुत नमूना है। पुराने शहर के दक्षिणी छोर पर बसे रामनिवास बाग की सरहदों में बना है मशहूर प्रिंस अल्बर्ट हॉल म्यूजियम। इस संग्रहालय में राजपूती और मुगल कला की चित्रकारी और कलाकृतियां संरक्षित हैं। समय और जरूरत के हिसाब से जयपुर शहर का भी विस्तार हो रहा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि यहां बन रही नई इमारतें भी पुरानी इमारतों के अंदाज से मेल खाती हुई बनाई जा रही हैं। और ये विश्व विख्यात गुलाबी नगरी वास्तव में भारत की सांस्कृतिक धरोहर है। आज से लगभग 10 साल पहले राजस्थान की 60% से ज्यादा जनता अनपढ़ थी। अंधविश्वास, जातिवाद, बाल विवाह, रूढ़िवाद यहां पर काफी था। लेकिन क्या है कि ऐसे परिवार में पली बड़ी की गई, वहाँ लड़कों को तो पढ़ाया जाता था, लड़कियों के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता था। था कि भाई मैं ऐसे अनपढ़ की जैसे हूँ, बच्चे मेरे पढ़े हैं तो फिर मैं उनको भी नहीं देख सकती। इन्हीं चुनौतियों का सामना करने के लिए संपूर्ण साक्षरता अभियान शुरू किया गया, जिसका मुख्य लक्ष्य था अनपढ़ अशिक्षित महिलाएं। शोषण के खिलाफ लड़ाई में महिलाओं को साक्षर होने के साथ स्वावलंबी भी होना था, इसीलिए नव साक्षरों को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिए गए। हमारी आज की यात्रा व्यवसाय और साक्षरता का
एक अनोखा संगम है। जयपुर के पास सांगानेर जिला, यहां महिलाएं पढ़ाई के बाद सरदोजी और गोटे लगाने का काम सीखती हैं। सावित्री देवी यहां नव साक्षरों की प्रेरक हैं और 10 साल से ये काम कर रही हैं। दक्ष उंगलियों की ये सुंदर रचनाएं बाजारों में अच्छी कीमत पर बिकती हैं। ये व्यवसाय नव साक्षरों के लिए आगे आमदनी बढ़ाने का भी अच्छा जरिया है। मिथिलेश अपने घर से ही ये साक्षरता केंद्र चला रही हैं और नगर की 25-30 महिलाएं यहाँ रोज पढ़ने आती हैं। शहर में निरक्षरता का रूप थोड़ा भिन्न नजर आता है। इनमें से ज्यादातर महिलाओं को बचपन से ही पढ़ने की इच्छा तो थी पर अवसर नहीं मिला था। मिथिलेश ने इस केंद्र द्वारा महिलाओं को घर से बाहर निकलकर पढ़ने की प्रेरणा दी। ये यहाँ कशीदे का काम भी सीखती हैं, टीवी कवर, बेडशीट और मेजपोश बनाकर बेचती हैं और पढ़ाई के साथ साथ आमदनी भी हो जाती है। सांगानेर से हम पहुंचे गांव बाड़ देवरी। यहाँ के साक्षरता केंद्र पर हमने एक अनोखा नजारा देखा। सिलाई के प्रशिक्षण का आज अंतिम दिन था। हर नव साक्षर ने अपने काम की सुंदर सी फाइल बनाई थी जो उनके प्रेरक ने गर्व से हमारी कैमरा टीम को दिखाई। हमारी मुलाकात हुई सोना देवी से। इन्होंने 4 महीने पहले इसी केंद्र में पढ़ना लिखना सीखा। आज ये अपने पति के लिए एक पतलून सी रही थी। जयपुर शहर मशहूर है अपनी अनोखी रंगाई छपाई यानी ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए। जन शिक्षण संस्थान द्वारा चलाए जा रहे सीताबाड़ी गांव के इस केंद्र में नवसाक्षर महिलाओं को छपाई और बंधेज का काम सिखाया जाता है। मिलकर ये एक दिन में लगभग 20 चादरें तैयार कर लेती हैं और एक चादर 100 से 250 रुपए तक की बिकती है। जयपुर से लगभग 170 किलोमीटर दूर गांव श्रीनगर, यहां हमने नव साक्षर महिलाओं की व्यावसायिक कुशलता का एक और अच्छा नजारा देखा। इस केंद्र की नव साक्षर महिलाएं मिलकर चौक बनाती हैं जिसे ये अन्य साक्षरता केंद्रों और स्कूलों में बेचती हैं। वाह, जय साक्षरता। एक लड़की पढ़ेगी, साथ पीढ़ी करेगी, पढ़ी लिखी लड़की, रोशनी करेगी। तो पढ़ी लिखी होती है वो सब कुछ कर सकती है। हाँ, फोन में कर लेती हूँ खुद। लड़कों को पढ़ा रही हूँ और सब समस्याएं जो दूर करने की सोच रही हूँ मैं। आज राज्य के सभी जिले साक्षरता अभियान से जुड़ चुके हैं। एक साक्षर प्रदेश, एक साक्षर देश का सपना साकार हो रहा है। तभी तो भारत कहलाएगा सारे जहां से अच्छा। भोपाल प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर एक शहर जिसमें जीवन, इतिहास और परंपराओं के भांति भांति के रंग हैं। सारे जहां से अच्छा में हम अपनी यात्रा शुरू करते हैं भोपाल के बड़े तालाब से। भोपाल की स्थापना का श्रेय
परमार राजा भोज को जाता है, जिसने 11वीं शताब्दी में इस शहर को एक नई पहचान दी। कहा जाता है कि भोपाल अपने प्रारंभिक दिनों में द्राविड़ सभ्यता का केंद्र था। यह उत्तर एवं दक्षिण को विभाजित करने वाले वन का एक भाग था। यहाँ की सुंदर झीलें पूरे देश भर में मशहूर हैं। दिन भर की बोझिल थकान के बाद ढलते सूरज की रोशनी में यहाँ का दिलचस्प नजारा देखना एक सुखद अनुभव है। झीलों की नगरी भोपाल को मस्जिदों का शहर भी कहा जाता है। ताजुल मसाजिद एशिया की अनूठी और विशाल मस्जिदों में से एक है। गगनचुंबी मीनारों वाली ये मस्जिद विश्व के मुसलमानों के लिए एक तीर्थ स्थल के समान है। मस्जिदों का ताज ताजुल मसाजिद। इस मस्जिद का निर्माण भोपाल राज्य की शासिका शाहजहां बेगम ने 1866 ईस्वी में करवाया। मस्जिद के खूबसूरत परिसर में एक मदरसा भी चलता है, जहां सैकड़ों की संख्या में छात्र तालीम पा रहे हैं। ये मस्जिद आस्था और श्रद्धा का वो केंद्र है, जहां हर वर्ष विशाल धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया जाता है, जिसे इज्तिमा कहते हैं। इस सम्मेलन में दुनिया भर से जुटने वाले मुसलमानों को धर्म के मानवीय पक्ष की तालीम दी जाती है। लगभग 300 वर्षों का इतिहास समेटे इस्लाम नगर का चमन महल अपनी नवाबी शानोशौकत का एक खूबसूरत नजारा है। कभी यहाँ शाम के हसीन पहरों में रियासत की बेगमें जमा हो जाती होंगी और नवाब साहब के पहुंचते ही सामने के मंच पर बैठे कव्वाल तान छेड़ देते होंगे। लाल घाटी के पास शहर का सुप्रसिद्ध गुफा मंदिर 1949 में स्वर्गीय बाबा नारायण दास की खोज है। इस वैष्णव मंदिर में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित हैं। मंदिर के प्रांगण में एक संस्कृत महाविद्यालय भी है। दूर दूर से श्रद्धालु इस मंदिर के दर्शन करने आते हैं। जरी के बटुओं के लिए भोपाल शहर की एक अलग पहचान है। भोपाल की सुल्तानिया बेगम के द्वारा बुलाए गए ईरानी कारीगरों ने इस बारीक कला की शुरुआत की और धीरे धीरे ये भोपाली संस्कृति का एक हिस्सा बन गई। तीन दिसंबर 1984 की रात भोपाल शहर के लिए कयामत की रात थी, जब यूनियन कार्बाइड के कारखाने से निकली जानलेवा गैस ने शहर के एक भाग को मौत के मुंह में धकेल दिया। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भोपाल गैस त्रासदी पूरे देश के लिए सबसे दुखद घटना थी। लोगों के उजड़े घरों को दोबारा बसाने के लिए सरकार ने पुनर्वास केंद्र खोले, जिसमें रोजगार के साथ साथ महिलाओं को साक्षरता अभियान से भी जोड़ा रहा। इन केंद्रों में गैस पीड़ितों को नए सिरे से रोजगार के अवसर दिए गए। रोजी रोटी की समस्या से जूझने का ये एक प्रगतिशील कदम था। भारी संख्या में औरतों ने इन केंद्रों पर आना शुरू किया और यहीं साक्षरता की नींव डाली गई। केंद्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए नियुक्त की गई महिला कार्यकर्ताओं को भी निरक्षर महिलाओं को साक्षर बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई और इसका परिणाम यह हुआ कि लगभग सभी केंद्रों में साक्षरता कार्यक्रम को बल मिला।
पढ़ने लिखने की काबिलियत हासिल करने के बाद इनकी कार्यकुशलता में भी तब्दीली आई है। अब इन्हें नए नए रोजगार के साधनों से भी जोड़ा गया। इन महिलाओं ने इसका भरपूर लाभ उठाया। शिक्षा के जीवन दर्शन ने इनके लिए विकास के नए रास्ते खोले। जहां एक ओर इनकी कार्यकुशलता में बढ़ोतरी हुई, वहीं इनके द्वारा बनाई गई वस्तुओं की बाजार में भारी मांग पैदा हुई। सरकार के द्वारा भोपाल गैस पीड़ितों के लिए रोजगार कार्यक्रम चलाए गए। इन कार्यक्रमों से निश्चित रूप से लोगों को राहत मिली, लेकिन इससे भी बड़ा काम तब हुआ जब इन पुनर्वास केंद्रों पर आने वाली महिलाओं ने पढ़ने लिखने की ठानी। मध्य प्रदेश राज्य में चल रहे पढ़ना बढ़ना कार्यक्रम की लहर से आज कोई भी केंद्र अछूता नहीं है। हालांकि ये पढ़ने लिखने का दूसरा चरण है, जिसमें बची हुई निरक्षर महिलाओं को भी पूर्ण साक्षर बनाने की जिम्मेदारी हर कार्यकर्ता की अपनी जिम्मेदारी है। महिलाएं भी इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं और पढ़ लिखकर नई सदी के सुंदर सपनों की ओर बढ़ रही हैं। आज हम चल रहे हैं कुमाऊं के मंदिरों की सैर पर। कुमाऊं उत्तर प्रदेश का पर्वतीय अंचल, जिसे देवभूमि के नाम से भी पुकारा जाता है, और इसी देवभूमि के प्रतीक हैं यहाँ के मंदिर। पहाड़ों में रास्ते सीधे नहीं होते, ये तो मुझे पता था, लेकिन इतने टेढ़े मेढ़े और चढ़ाई वाले होते हैं, इसका पता आज चला है। ये रास्ता जाता है अल्मोड़ा से लगभग 13 किलोमीटर दूर सूर्य मंदिर कटारमल की तरफ। चलते हैं। जय सूर्यदेव। कहा जाता है कि पूरे कुमाऊं में यही एक सूर्य मंदिर है। कुमाऊं के कत्यूरी राजाओं के समय का बना ये कटारमल मंदिर 30-32 छोटे बड़े मंदिरों का समूह है। कोणार्क के सूर्य मंदिर के समान ही सूर्य की सबसे पहली किरण इस मंदिर की मूर्ति पर पड़ती है। घंटियां घंटियां और घंटियां ही घंटियां। जी हाँ, ये है कुमाऊं के गोलू देवता का मंदिर। कुमाऊं में इनकी बहुत मान्यता है और ये घंटियां प्रतीक हैं गोलू देवता की मान्यता की और यहाँ के लोगों के विश्वास की। मंदिरों की इस यात्रा में मैं पहुंचा कसार देवी के मंदिर। कुछ चढ़ाई जरूर चढ़नी पड़ी मुझे, पर हाँ, चढ़ाई चढ़ने के बाद जब आप पहुंचेंगे तो आपकी सारी थकान उड़न छू होती रहेगी। यहाँ देवी के मंदिर के साथ साथ एक शिव मंदिर भी है। देवदार के पेड़ों से घिरी इस छोटी सी घाटी में है जागेश्वर मंदिरों का यह समूह। इन मंदिरों की बनावट ने यहां आने वालों पर हमेशा एक ना भूलने वाली छाप छोड़ी है। जागेश्वर के इस मंदिर में 12 ज्योतिर्लिंगों का समूह है। सावन में शिवरात्रि के अवसर पर यहां बहुत बड़ा मेला लगता है। जागेश्वर मंदिर के पास ही मुझे अचानक लोकवाद्यों की धुन सुनाई पड़ी। मशकबीन, हुड़का, रणसिंगा और ढोल की थाप पर छोलिया नृत्य हो रहा था। कुमाऊं में खासतौर पर शादी ब्याह के समय इनकी धुनों पर झूमते हुए नई नवेली दुल्हन को लेने दूल्हे राजा पूरे दलबल के साथ जाते हैं, तो फिर हम क्यों पीछे रहें? आचरा तुम हाई जाया रतना तेरी गाड़ी
अपने इस सफर में मैं पहुंचा मटीना गांव, जहां मैंने कुमाऊं का एक और लोक नृत्य देखा, झोड़ा। लेकिन ये था साक्षरता झोड़ा। साक्षरता झोड़ा पहले मैं भी चौंका, लेकिन फिर मुझे पता चला कि भारत ज्ञान विज्ञान जत्था के साक्षर कर्मियों ने साक्षरता का प्रचार गांव वालों में करने के लिए कुमाऊं के लोक नृत्य और लोक गीतों का बखूबी इस्तेमाल किया है, और इसका असर भी मैंने देखा। गांव के लोगों की आ आ से शुरू हुई ये यात्रा लाइब्रेरी मूवमेंट का रंग ले चुकी है। वो क्लास बोर्ड का इंतजार नहीं करते, जहां सब इकट्ठा हुए शुरू हो गई पढ़ाई। पहाड़ों में साफ पीने के पानी की बहुत कमी है, और अगर प्राकृतिक झरनों के साथ भी लापरवाही बढ़ती गई तो समस्या बढ़ सकती है। शैक्षिक चेतना समिति का यह अभियान सभी गांव वालों का ध्यान इस ओर ले जाता है। शैक्षिक चेतना समिति अल्मोड़ा ने शिक्षा, चेतना और पर्यावरण को बहुत खूबसूरती से जोड़ा है। के पंत साहब इस समिति के सक्रिय कार्यकर्ता हैं। पंत साहब, आप हमें इस सफाई अभियान के बारे में कुछ बताएंगे? शिक्षा का मतलब समझा जाता है पढ़ाई लिखाई खाली, लेकिन वास्तव में जो शिक्षा है वो कार्यात्मक शिक्षा होनी चाहिए। अर्थात हम अपने इलाके को साफ रखें, लोगों को अच्छी बातें बताएं। तो अल्मोड़े में हमने ये शुरू किया। यहाँ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम था कि यहाँ बहुत से पुराने धारे नौले हैं, और जहाँ लोगों को पहले से पानी सप्लाई होता रहता था, अब वो सूख रहे हैं या गंदे हो गए हैं। तो इसी शैक्षिक चेतना समिति के माध्यम से हम लोगों ने शुरू किया कि यहाँ हम लोगों को धारे नौले की सफाई इत्यादि शुरू कराएँ अपने यहाँ से। खानते मैं पहुंचा अल्मोड़ा के पास बसे एक गांव सरकार की आली में। यहां महिला जागृति संस्थान ने साक्षरता दिवस के उपलक्ष में एम्पड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया। एम्पड़ कुमाऊं की एक पुरानी लोक कला है। प्रतियोगिता का हम इसलिए आयोजन करते हैं क्योंकि ये हमारी संस्कृति और लोक कला का एक बहुत ही उत्कृष्ट नमूना है, और हम चाहते हैं कि ये हमारी महिलाएं और आने वाली जो हमारी नई जनरेशन लड़कियां हैं, ये इसको सीखें और इसको जिंदा रखें। लड़की पढ़ेगी, सात पीढ़ी तरेगी, इस नारे का कुछ असर मैंने सरकार की आली गांव में देखा। यहां पढ़ लिख कर आज महिलाएं खुद अपने पैरों पर खड़ी हैं। महिलाएं तो साक्षरता के प्रति हमेशा ही उनका रुझान रहा है, लेकिन उनको अवसर नहीं मिले कि वो साक्षर हो जाए। वो हमेशा पढ़ना चाहती है, लेकिन कई चीजों के बारे में जहाँ पर लिखना है, पढ़ना है, या कहीं पर उनको एप्लीकेशन लिखनी है, अपनी बात कहनी है या समझानी है, तो साक्षरता उनको इस तरफ तो डेवलप करती है कि अपनी बात को सही तरीके से सही जगह पर कह सके। महिला समूह की जो मीटिंग है आज, फिर हम लोग फिर इकट्ठा हो रहे हैं, चूल्हा या कुछ ऐसी बात कर रहे थे, उसके बारे में क्या तय हुआ? खरीदी और क्या किराया मिल रहा है उससे? अच्छा, थोड़े दिन। इन महिलाओं ने आज आपस में मिलजुल कर स्वयं सहायता समूह बना लिए हैं, जहां ये पैसा जमा करने के साथ साथ गांव के विकास से भी जुड़ी हैं। और आज इन्होंने ठानी है पॉलिथीन पर रोक की। साक्षरता को ज्ञान हमारा
भला लागचा ओ हो साक्षरता को ज्ञान हमारा के भला लागचा ओ हो खाणाने खाणाना से भला लागचा। सबसे महत्वपूर्ण काम यहाँ पर है साक्षरता के प्रचार का। लोक गीतों को साक्षरता के गीतों में ढालकर ये महिलाएं साक्षरता को आगे बढ़ा रही हैं और साक्षरता संदेश पूरी कुमाऊं घाटी में गूंज रहा है। तो कैसा लगा आज का सफर, हमें लिखना ना भूलिएगा। हमारा पता है सारे जहां से अच्छा, पोस्ट बॉक्स 3848, नई दिल्ली 11-00-49।